भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर नेताओं ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया था और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने जोहान्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के बीच एक बैठक का दावा किया था। सी और मोदी पिछले साल नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर सहमत हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राष्ट्रभोज के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने पर बल दिया। बता दें कि मई 2020 में भारत चीन सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से ये उनका पहला आदान प्रदान था। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने दृढ़तापूर्वक कहा है कि पूरे मुद्दे पर समाधान की कुंजी भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर स्थिति को हल करने के साथ ही संपन्न होगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली करना भी हम लोगों का लक्ष्य है। दरअसल बाली में पीएम मोदी और शी के बीच संक्षिप्त बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शिष्टाचार का आदान प्रदान होने पर चीन और भारत एक दूसरे से शांति बहाली पर सहमत हुए थे। कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से इतर भारत के NSA अजीत डोभाल ने चीन के सर्वोच्च राजनयिक वांग यी को आईना दिखाते हुए कहा था कि भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता की वजह से चीन और भारत के संबंधों पर असर पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिकारियों ने आपसी रिश्तों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक हित में सामान्य बनाए रखने की जरूरत बताया है। डोभाल ने वांग यी से साफ तौर पर कहा कि सीमा पर चीन की हरकतों ने चीन के प्रति भारत के रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को कम कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है और सीमा की स्थिति को पूर्ण निराकरण करने की जरूरत है ताकि वहां शांति और स्थिरता हो सके। वांग यी की 10 दिन के भीतर भारत के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक है। इससे पहले 15 जुलाई को वांग यी ने जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की थी। वांग यी फिलहाल चीन के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है। चीन पर वास्तविक शासन करने वाले निकाय पोलर ब्यूरो के साथ ही चीन के सर्वोच्च कूटनीतिक प्राधिकरण विदेश कार्य आयोग के सर्वोच्च अधिकारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।